बहानेबाजी मारना क्या होता है ये जर्मनी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। टाइम से इंजन तो डिलीवर कर नहीं पाए, 4 साल का डिले करके बैठ गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसराइल को आप देख लो, एक तरफ तो गाजा में जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने पूरी तरह से सुनिश्चित किया है, प्रॉमिस किया भारत को कि आपका हम कुछ भी डिले नहीं होने देंगे, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे। क्योंकि भारत इसराइल के लिए लार्जेस्ट डिफेंस बायर है और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। टोटल $2.9 बिलियन के सारे हथियार हमने लास्ट डिकेड में खरीदे हैं इसराइल से, जिसमें रेडार्स, सर्विलियंस, कॉम्बैट ड्रोन्स, मिसाइल्स, ऐसे तमाम सारे घातक हथियार शामिल है। हाल ही में इजरायली सोर्स के एक बड़े अधिकारी ने कंफर्म किया है कि इसराइल पूरी तरह से सुनिश्चित करेगा कि इंडिया को कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इनफैक्ट इसराइल से हम खरीद ही नहीं रहे, लेकिन इसराइल की कंपनी के साथ भारतीय कंपनी मिलकर काम भी कर रही है। एक उदाहरण है अदानी ग्रुप, इन्होंने इसराइल की एक कंपनी है एल्बिट सिस्टम, इनके साथ पार्टनरशिप की है ताकि ये ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत के सदर्न इंडिया पार्ट में कर सके। हरमेस 900 ड्रोन्स जो कि बनाए जाएंगे भारत में और साथ ही में एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार कर दिए जाएंगे बाकी देशों में। इसके अलावा एक शॉकिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, पूरे दुनिया में इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, जो कि हम $37 बिलियन वर्थ के सारे हथियार बाय कर रहे थे 2012 से लेकर 2022 तक। लेकिन समय बदलने जा रहा है और भारतीय सरकार ने टारगेट रखा है कि हम $37 बिलियन का ये जो इंपोर्ट करा रहे बस ये बहुत हो गया, अब हम भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। $5 बिलियन का इनिशियल टारगेट रखा गया है, देखते हैं कि ये कितना पूरा होता है। वैसे हम रशिया से अपनी डिपेंडेंसी को थोड़ी कम करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और इसी रीजन के चलते इसराइल, फ्रांस, अमेरिका और हमारी खुद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के दम पर हम घातक हथियार तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो आ जाता है तो वो है इंजन्स। एक तो अमेरिका के फाइटर जेट के इंजन्स और दूसरा हमारे टैंक में यूज होने वाले ये जर्मन इंजन्स। ये अभी भी इसकी किल्लत है, यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हम अभी तक एक प्रॉपर कोई इंजन डेवलप नहीं कर पाए हैं। वेल, हमारे भारत की रिसर्च टीम, साइंटिस्ट की टीम लगी तो है रिसर्च करने में, लेकिन अब देखने लायक होगा कि ये बड़ा मेजर सक्सेस हमें कब मिलता है और तभी भारत एक सही मायने में आत्मनिर्भर बन सकता है हथियारों के मामले में एटलीस्ट। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में, लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।